पूजा। हाय। ये ऐश्वर्या है, हमारी मेकअप आर्टिस्ट। हाय। हाय। हाय राघव। मैंने सामान रख दिया। ओ, अच्छा ठीक है। ये हमारे लाइट मैन अर्नोल्ड और आमिर खान। अर्नोल्ड क्या तुम्हारा असली नाम है? मेरी बॉडी देखकर नहीं लगता है। मूंछ ना होती तो उसकी बीवी लगते। ये सब म्यूजियम पीस है क्या? मुझे क्या पता। ये है डॉक्टर प्रसाद, ये युगांडा रिटर्न है। ये टीवी इंडस्ट्री में बहुत बड़े प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोडक्शन कंट्रोलर बनकर काम करेंगे। कैमरामैन राघव। हेलो। हाय, आई एम डॉक्टर प्रसाद। ये कैमरामैन के असिस्टेंट, ये लाइटमैन अर्नोल्ड और आमिर खान। पूजा शो की आई। ओह हाय। ये है ऐश्वर्या मेकअप आर्टिस्ट। हेलो। ये क्या था? इसे हाथ लगाए तो शॉक लगा। हाँ तो बहुत चालू छे। प्रोड्यूसर वाली सारी हरकतें आपने। प्रोड्यूसर ही रहो, हीरो मत बनो। हम सीधे शूटिंग लोकेशन पर चल रहे हैं। नहीं नहीं, पहले हम होटल के गेस्ट हाउस चलेंगे, दिन में वहीं रहेंगे और रात को शूटिंग लोकेशन पर जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। मेरा नाम गीता है, मैं एमडी की फ्रेंड हूँ। एमडी से मेरी बात हुई, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। अरे वाह, छत है। वीना, यहाँ। जी मैडम। ये यहाँ की कुक है। नमस्कार। ये खाना तो अच्छा बनाती है ना? कुक को देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ पकने लगा है। वहाँ उस तरफ मास्टर बेडरूम है। इस कमरे को खास तौर से आपके लिए तैयार किया गया है। पूजा, तुम और ऐश्वर्या उस कमरे में रह सकते हो। सो नाइस ऑफ यू। कैमरामैन सर, आप और आपके असिस्टेंट इस कमरे में रहें। हम दोनों लाइटमैन बीच पर जाकर सो जाएंगे। जी नहीं, नीचे बेसमेंट में एक कमरा है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। कुछ याद ही नहीं रहता। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ये चाहे तो मेरे साथ सो सकते हैं। उनको क्यों बुला रहे हैं साथ? घर का साइज देखा? देखा है। इतने बड़े घर में सब साथ रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। चल अर्नोल्ड और आमिर खान जी, हमारे साथ रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे सर, आप कैमरामैन हो के लाइटमैन का कितना ख्याल रखते हैं। उसका भी कारण है यार, उठ जा। वैसे मेरा कमरा किधर है? मुझे बताया तो था कि एक डॉक्टर आने वाले हैं, लेकिन मैं भूल गई। आप लाइटमैन या कैमरामैन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप बेसमेंट में भी रह सकते हैं। What do you mean? मैं डॉक्टर प्रसाद हूँ। फेसबुक पर मेरे बारे में पढ़ा होगा या ट्विटर पर मेरे ट्वीट्स तो पढ़े ही होंगे। इंस्टाग्राम पर शाहरुख और मेरी फोटो देखी होगी। इज्जत का कचरा हो गया। Let it be. मैं वैसे भी इन लोगों के साथ नहीं रह सकता। ऊपर भी तो एक कमरा है, मैं अकेले ही वहाँ सुकून से रहूंगा। लेकिन वो एमडी का कमरा है सर। ओह मेरे गॉड। रिलैक्स सर, देखिए मैं एमडी से बात कर लूंगी, ठीक है? आप बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वो रूम ले सकते हैं। थैंक यू। स्टैचू कैसे बन गए? मैं स्टैचू नहीं बना, ये घर देखकर हवा टाइट हो गई है। बस यहाँ बीच किस तरफ है? बीच पीछे की तरफ है। वाओ! अरे पागल हो गई है ये। ये घर तो सबके रोंगटे खड़े कर देगा। नंदिनी, हाँ अगर हम कहेंगे कि इस घर में भूत रहते हैं तो कोई भी यकीन कर लेगा। कोई भी क्यों, मैं यकीन करता हूँ। राघव, मैं आ गया मैडम। शॉट लेने के लिए तैयार रहो। पहले हम इस बंगलों की दो तीन शॉट्स लेंगे, फिर बीच की तरफ चलेंगे, ठीक है? सब लोग रेडी हैं? राघव, मैडम इन्हें फ्रेम में आने के लिए कहिए ना। तुम कैमरा स्टार्ट करो, वो अपने आप आ जाएंगे। हाँ, कॉन्सेंट्रेट। कैमरा रोलिंग। एक्शन। ग्रीन टीवी। तुम क्या पहले स्पोर्ट्स होस्ट करती थी? इतना उछलने की क्या जरूरत है? मैडम। राघव, इसे मैंने कहा था। अच्छा आपने कहा था, तो फिर ओके। एंकर मैडम, कूदने से पहले इशारा कर दीजिएगा ताकि मैं आपको एकदम करेक्ट शूट कर सकूं। हां ओके। एक मिनट मैडम, देखिए भूत की बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद ही ऐसे ऐसे डायन बनने की जरूरत नहीं है। इतनी खूबसूरत है आप, ओवर एक्टिंग कम कर दीजिए। ओके रेडी मैडम?
ग्रीन टीवी आप लोगों के लिए एक नया शो लेकर आया है जो बताएगा चुड़ैल होती है या नहीं होती। ना ही आपने ना ही मैंने देखा है, पर देखने का मन तो जरूर होता होगा। क्या ये नीली होती है, काली होती है, हाथ की जगह पैर होता है या पैर की जगह नाक होती है? ये तो उन्हें इनवाइट कर रही है, अनिवार्य सामने आ भी गया तो। हम साथ में मिलकर चुड़ैल को देखेंगे। इसी घर के पीछे एक बीच है जहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, चली चलकर आपको मिलवाते हैं। सच में? ओहो राघव, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड है, समझे? कमाल का स्क्रिप्ट है। बचपन से ही मेरा सपना था मैं चुड़ैल का इंटरव्यू लूं, और आज लगता है मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। एक ही आशा है कि वो हमसे सबसे भयानक रूप में मिले। One minute. पूजा, दरवाजा खोलते वक्त तुम्हें डरना होगा। राघव, कैमरा ऑन। इसके प्यार के चक्कर में हमारी खबर आई आज खुद ही नाक से। पूजा को फॉलो करो। छोड़ो ना। मैंने कहा उसे फॉलो करो। जाओ। अरे मैडम। अरे क्या फंसी गए हो? मैडम कहाँ लटकी हो? मैं तो पौधे पे लटकी हूँ मैडम। नीचे उतरो। सॉरी। कैमरा पकड़ो। आप पकड़ता हूँ। सब लोग यहाँ आओ। ऐश्वर्या, मैडम, एक काले कपड़े को ओढ़कर उस दीवार के पीछे छुप जाओ। हाँ? जब पूजा कैमरे से बात करना शुरू करे तुम बैकग्राउंड से गुजरना, ठीक है? तुम अचानक से उस तरफ मुड़ोगी और डर कर खड़ी हो जाना, जैसे कि तुमने सच में भूत देख लिया हो। ऑडियंस के डर के मारे पसीने छूट जाने चाहिए। TRP यूं ऊपर जाएगी। ऐश्वर्या, पहले पूजा को अपना डायलॉग बोलने देना, फिर मेरे इशारे पर तुम क्रॉस करना। ओके मैडम। पूजा गेट रेडी। यस मैडम। कैमरा स्टार्ट करो। या रोलिंग। पूजा, डायलॉग। जैसे कि आपने देखा इस घर पे चमगादड़ टूट पड़े, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैडम, आपने उस बदतमीज लड़की को कितना समझाया, लेकिन बिना आपके इशारे के यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर दिया उसने। देखा आपने कैसे हमारे पीछे आई? मैडम, मैं तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। क्या कहा? वो तुम नहीं थी तो फिर कौन थी? रिलैक्स राघव, चमगादड़ वहाँ से उड़कर इस तरफ आया था। हाँ। चमगादड़ थे? हाँ बाबा, शूट करो, टाइम वेस्ट मत करो। पता नहीं इस बार क्या निकलेगा। पीछे पीछे। कैमरा। कैमरा रोलिंग मैडम। ओके। पूजा डायलॉग। जैसा कि आपने देखा हमने धीरे से इस दरवाजे को खोला। मैडम, मेरे पीछे से कोई गुजरा है अभी अभी। फ्रीज। अरे वाह, कोई नेचुरल एक्टिंग कर रही है। चलो अब हम बीच पर शूट करते हैं। ओके मैडम। राघव, कैमरा यहाँ पर रखो। ओके मैडम। पूजा, तुम वहाँ पर खड़ी हो जाओ। जी साहब जी। अब मेरी बात गौर से सुनो। एक तरफ पूजा खड़ी रहेगी और दूसरी तरफ से मैं रेत उड़ाऊंगी, ठीक है? ये शॉट हम टाइटल के लिए ले रहे हैं, इसलिए शॉट थोड़ा लंबा चलेगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं था।
ये कुमकर चलना इतनी रात को ये इसे अपने साथ कहाँ ले जा रहा है? इसका चरित्र ठीक नहीं है। अबे तुझे सोने के पैसे मिलते हैं क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है साहब जी, आपको बताया था ना। अरे क्या करूँ यार, कंट्रोल नहीं होता। ओके साहब जी, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, आपको जल्दी करना होगा। धीरे बोलना, इन दोनों को सीक्रेट पता चल जाएगा। पता नहीं मेरी ये बुरी आदतें कब ठीक होंगी। मिले सुर मेरा टॉयलेट में, ये मुझसे टॉयलेट नहीं हो रहा। मुझे पहले से इन पे शक था। कैसा शक? कैमरामैन ने हम पर तरस खाकर इस कमरे में रुकने के लिए नहीं कहा। तो किस लिए रोका? अपनी प्यास बुझाने के लिए। मैं तो लुट गया। कितना सुकून मिल रहा है, काम हो गया। तो मजा आ गई। फिर से सो गया। इतनी जोर से धक्का क्यों मारा? हे भगवान, अब यही सुनना बाकी था। पिक्चर खत्म हो जाए तो बता देना। सॉरी सॉरी, ज्यादा दर्द हुआ क्या? दर्द तो होगा ही ना, सब कुछ करने के बाद पूछने का ना धक्का से हो। पहली बार धक्का थोड़ी दिया, हमेशा ऐसे ही मारता हूँ ना। सिर्फ कयामत आनी बाकी है, मेरे तो कान जलने लगे, मेरी रक्षा करो। तुम्हारे सिर्फ कान जल रहे हैं, यहाँ तो पूरे तन में आग लगी है। कहीं काम, मैं इस काम के पैसे देता हूँ तुम्हें, नखरे किए तो किसी और को रखूंगा। आमिर खान, अगर उनको पता चला कि हम उनके बारे में जान गए हैं तो वो हमें भी उनके गेम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो आ जाए, हमें जल्दी से सोने की एक्टिंग करनी चाहिए। दूर दूर, चांस मत मार, मैं वैसा नहीं हूँ। अगर जरा से भी आवाज आए तो मुझे नींद नहीं आती, और ये दोनों खर्राटे मार रहे हैं। इन्हें नींद से जगा दो साहब जी, खर्राटे लेना बंद कर देंगे। मेरे डार्लिंग लाइट मैन, दूर दूर, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी इज्जत बख्श दो। किसकी बात कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात? अगर मैंने ऐसी वैसी हरकत की तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे कौन सी हरकत की बात कर रहे हो? दोबारा खर्राटे लिए तो फिर से उठाऊंगा। अबे आलसी, चल सुन। ये क्या जर्मन सैंडविच बना रहे हो? टाइटैनिक पोज में मसाज करवा रहा हूं। कुछ भी बकवास करते हो, उठो। जानबूझकर नहीं किया। अरे अरे छोड़ो मुझे, थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। कल चर्च में चलकर शादी कर लेंगे। अरे कम से कम मसाज तो पूरा होने दो। रुको, क्यों पीट रहे हो मुझे? मेरे ऊपर क्यों गिरे? तुम क्यों चिल्लाई? मैं कहां चिल्लाई, मैं तो गाना गा रही थी।
पर हमने तो चीखना सुना। ए, तुम्हें ऐसा गाना आता है? आता है। आधी रात को अंताक्षरी खेल रहे हो? हाँ, जाकर सो जाओ। हाँ, मैडम का ऑर्डर है, सब लोग सो जाओ। चलो चलो चलो।